जी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पेप्सी मैंने फेंक दिया जी, पेप्सी फेंकूँ कोक फेंकूँ, मेरे फेंकने से पीने से हटाने से कुछ भी नहीं होगा जी। लेकिन यही अमल रोनाल्डो की तरफ से किया गया है। अभी चंद घंटे पहले ही ये सोशल मीडिया के ऊपर अभी काफ़ी ये वीडियो वायरल हो चुकी है। आप हजू यहाँ पर मैं वो वीडियो भी दिखा देता हूँ और रोनाल्डो के इस अमल की वजह से भाई कोका कोला कंपनी को कितना नुकसान हुआ है ये भी आपको बता दूँ। यहाँ पर इस तरफ या इस तरफ मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखा रखा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं रोनाल्डो ने भाई जब वो मैच शुरू होने से पहले या मैच शुरू ख़त्म होने के बाद भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो वो आकर बैठा है। उसने दोनों कोका कोला की बोतलें उठाई हैं, एक तरफ नीचे रख दी हैं और पानी की बोतल उठाई है जी आगे टेबल के ऊपर रख दी है। तो यही कहा है ड्रिंक वाटर, यानी कि बिल्कुल सही कहा है उसने। लेकिन उसके इस अमल की वजह से कोका कोला कंपनी को भाई 4 बिलियन का नुकसान हुआ है, यानी कि अगर सीधे लफाज में हम बात करें तो 4 खरब का, करोड़ का नहीं भाई मैं बात कर रहा हूँ, 100 करोड़ हो तो 1 खरब बनता है, 4 खरब का नुकसान हुआ है कोका कोला कंपनी को। 4 बिलियन के उनके शेयर गिरे हैं रोनाल्डो के इस एक अमल को लेकर। और ये बस सिर्फ चंद घंटों में, उसके मतलब भी एक पिक्चर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, सिर्फ चंद घंटों में ही इतना ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है रोनाल्डो की दोनों कोका कोला की बोतलें उठाकर नीचे रखने के सिर्फ।